नीचे से मस्त लग रहा है ना, अभी रोड से भी दिखाऊंगा मैं। तो लाओ ये वाली, ये देखो गाइस, बुझ गया, ये बढ़िया लग रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने डायरेक्टली घर से ही करी है गाइस, और यहां से मैं डायरेक्ट जाऊंगा गाइस जिम, अपने वर्कआउट करेंगे गाइस, और अपना डाइट वगैरह तो ले ही रहे थोड़ी बहुत। और टाइम काफी ज्यादा हो गया गाइस, 9:30 बज गया, मैं काफी लेट हो गया क्योंकि लास्ट वाला व्लॉग मेरे को एडिटिंग भी करना था, मैं रात में सो भी नहीं पाया गाइस। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ गिफ्ट्स भी रखे हैं। व्लॉग में आपको दिखा तो नहीं पाया था कि इसमें क्या चीज मैंने पैक करवाई क्या नहीं, बट मेरे को जो समझ में आया मैंने वो पैक करवा लिया। और ये गाइस, मैंने मेरे जिम में जो स्टाफ में है ना, लड़का आदित्य रस्तोगी उसको प्यार से बुलाते हैं, तो उसके लिए मैंने गाइस लिया है ये दोनों गिफ्ट, और मेरे को जो समझ में आया गाइस मैंने वो ले लिया। ये दिवाली गिफ्ट मेरी तरफ से उसके लिए। फिलहाल इसको फटाफट डालते हैं बैग में और चलते हैं डायरेक्टली यहाँ से जिम, अपना वर्कआउट भी करेंगे और चलते हैं फटाफट जिम, और आर्यन भी मेरे साथ चलेगा। इतना बड़ा झूला तो गाइस है नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ मेरे को मॉल से बोरा मिला था गाइस, तो इसी में हम लोग डाल के और उसको अचानक से देंगे गाइस, मतलब इमिडिएटली जाके नहीं देंगे, सडनली उसको देंगे। ठीक है आर्यन? A few moments later. इसको पैक कर लिया हम लोगों ने ताकि खोले ना। तो गाइस, नावे सरप्राइज मिलने वाला रस्तोगी को। रस्तोगी को बुलाते हैं और गाना बंद करवाते हैं गाइस। रस्तोगी, उनसे ही अनबॉक्सिंग करवाएंगे, मतलब ओपन करवाएंगे। ये तुम्हारे लिए दिवाली का गिफ्ट है, इसको खोल दो। घर से पैक करके ले आया था, कहता कि इनकी नज़र ना पड़ेगा इस पर। अरे एक तरफ देखो जिम में लोग, मेंबर भी सब अपना वर्कआउट कर रहे हो, मेरे पास टाइम ज़्यादा हो गया, 10 बज गया, मेरा वर्कआउट अभी तक गाइस चालू ही नहीं हुआ है। बट ये खोलने के बाद वर्कआउट अपना फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद पूरा दोनों निकालो। ये दोनों आर्यन की तरफ से है, ठीक है? आर्यन घर से भूल के निकला था कि काकू मेरी तरफ से कहना, मेरी तरफ से। मैंने कहा चलो भाई, दिवाली का गाइस गिफ्ट है रसोगी को, आर्यन की तरफ से समझ लो, बाकी आप लोग समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो आप? बॉडी आ रही है गाइस थोड़ी थोड़ी। और गाइस, जिम में कोई नहीं बचा, पूरा जिम खाली हो गया है, तो वर्कआउट करना है। त्यौहार है, अच्छी बात है, लेकिन वर्कआउट भी अब नहीं करेंगे, वर्कआउट करना ही करना है। गाइस, वर्कआउट तो अपना कंप्लीट हो गया था, लेकिन थोड़ा खाली टाइम मिल गया था, तो मैंने और आर्यन ने मिलके एक काम और कर दिया जिम में, जो काफी अच्छा लग रहा है ना आर्यन? अच्छा तो लग रहा है ना? लाइट ऑफ करो फिर दिखाते हैं। स्टार्ट ही मेरे पास तो वो काम कर दिया। दिखाओ लाइट तो जलाओ ये वाली, ये देखो गाइस, अच्छा लग रहा है ना? नीचे काउंटर है और ऊपर इसके मैंने मतलब केबिन टाइप में तार लगा ली, मंदिर साइड भी लगा दी मैंने, ये इधर एक्स्ट्रा बची थी ना बाहर के लिए, मैंने जिम के लिए फ्लैक्स बनवाया था ना, तो वो अभी गाइस मिला ही नहीं मेरे को, वो दिया ही नहीं मेरे को अभी, वरना ये झालर मेरे को बाहर भी लगाने को थी, बट एक्स्ट्रा थी ना तो मैंने जिम के अंदर ही लगा दी गाइस। चलो इतना काम तो कर लिया, वर्कआउट भी हो गया अपना। वर्कआउट थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर, आधा घंटा मैंने किया लेकिन छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने कार्डियो किया गाइस, किया जरूर। तो चलो फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से घर, और आर्यन देखो पीछे लगा हुआ है, वो एक्सरसाइज में लगा हुआ है, चोट लग जाएगी, आ जाओ इधर। A few moments later. जिम से तो घर पे आ गए थे, लेकिन रोशनी और कृष्णा गई मार्केट गाइस, तो खाना पीना तो अभी मैं नहीं खाऊंगा गाइस। तो चलो फिलहाल मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ ऊपर, मैं और अरमान। चले छत पे, चले अरमान, फिर क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है? तो आओ अरमान, बहुत दिनों के बाद गाइस छत पे जा रहे हैं। ये देखे गाइस, झालर हम लोगों ने लगा ली थी कल शाम को ही गाइस, सारी झालर लगा दी थी हम लोगों ने, लेकिन अभी तो ज्यादा सो नहीं होगा, ये आपको रात में दिखाएंगे हम लोग गाइस। झालर अभी तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट हाँ रात में चला के दिखाएंगे। नीचे पेड़ में भी लगा दी है, लगा तो गाइस कल शाम को ही दी थी, लेकिन चेक नहीं करी थी क्योंकि उसका बोर्ड वगैरह सब अलग से लगता गाइस, इस वजह से चेक ही नहीं हो पाई। और छत पे आए ना तो गाइस मौसम मस्त हो गया, आज हवा मस्त चल रही है, क्यों अरमान मस्त चल रही ना हवा?
हरमान बेस्ट गेम कौन सा है आपका? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट में प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है? सचिन तेंदुलकर। अच्छा सेकेंड नंबर? धोनी। थर्ड पे? कोहली। विराट कोहली सर। तीनों मतलब सचिन सर, धोनी सर और कोहली सर, तीनों इसको बेस्ट लगते हैं भाई। अच्छा बॉलर में? बॉलर में शाहिद खान, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। बुम बुम बुमराह तो गाइस सबका फेवरेट है, सारे इंडियन का फेवरेट है गाइस। बुमराह तो मेरा भी फेवरेट है। और हम लोग जैसे ऊपर आए ना तो आर्यन देखो नीचे घूम रहा दिख रहा होगा आपको ये खड़ा। अरमान अच्छा बड़े होके क्या बनोगे बताओ? क्रिकेटर। इसको क्रिकेटर बनने का शौक है गाइस। मैंने कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तभी सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करता अच्छे से गाइस। और गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों ऐसा है ना? गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है गाइस। तो चलो गुस्सा नहीं, तो चलो अभी तो फिलहाल प्लास्टिक के बॉल्स और प्लास्टिक के बैट से खेलेंगे। तो चलते हैं नीचे, थोड़ा टाइम पास करते हैं गाइस। अच्छा नहीं लग रहा कुछ यार, चले वो गाइस। अपनी हंटर के लिए कवर मंगवाया था, इसको ओपन करते हैं। क्वालिटी तो मेरे को मस्त नहीं लग रही है यार, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्वालिटी अच्छी लग रही है मेरे को। क्वालिटी तो मस्त है यार। One hour later. और गाइस फाइनली अपना रात का समय आ गया और लाइटें कर दी चालू। ऊपर से तो इतनी मस्त नहीं लग रही, लेकिन नीचे से मस्त लग रही, रोड से भी दिखाऊंगा अभी मैं। और ये बल्ब ऑर्केस्ट्रा वाला फील करवाता है। पेड़ की वजह से पूरा एग्जैक्ट दिख नहीं पा रहा। गाइस घर पे तो मैंने और ऑस्टिन ने पूजा कर ली थी, अब हम लोग आ गए जिम पे और पूजा की तैयारी तो हो गई। मैंने मोमबत्ती भी लगा दी जिम के अंदर में गाइस, एक एक साइड में, और यहीं काउंटर पे ही पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए पूजा स्टार्टिंग करें। करें बोलो लक्ष्मी माता की जय, गणपति बप्पा की जय।
इस साइड मैंने मोमबत्ती लगा दी, इस साइड भी हो गई, उधर भी लगा दी गई, मैंने इधर भी लगा ली। हो गया गरम, बुझ गया। रात भर गाइस लक्ष्मी जी और गणेश जी काउंटर पर ही रहेंगे। अब जिम गाइस सिर्फ मॉर्निंग में खोला था, हर धनतेरस को मैं हर साल शाम वाला बैच बंद रखता हूँ गाइस, शाम को गाइस, क्योंकि पूजा करते हैं गाइस। और बाकी सुबह मैंने 12 बजे तक जिम ओपन कर दिया था और शाम को छुट्टी। पूजा वगैरह तो गाइस हो गई, तो चलो अब चलते हैं यहाँ से घर, भूख बहुत लग रही है गाइस। जिम के गेट पे भी मोमबत्ती लगा दी, चलो अब चलते हैं गाइस। जिम से तो मैं और रोशनी पूजा करके आ गए थे, बट मेरे को भूख बहुत ज्यादा जोर लगी है गाइस। तो अपना डिनर में गाइस सिर्फ मैं आजकल पिछले 4-5 दिन से गाइस यही डाइट चल रही मेरी, स्प्राउट छोले की सब्जी चल रही है गाइस, और रोटी वगैरह रात में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं फिनिश। फाइनली अपना डिनर करने के बाद हमने अपनी हंटर 350 उठाई और चल दिए अपनी धनतेरस की मार्केट में, क्योंकि हमें आप सभी को धनतेरस की मार्केट जो दिखानी थी। और फिर कुछ इस तरह से हमें मार्केट में भीड़ देखने को मिली, फिर क्या हम भी इस भीड़ में चल दिए और हमारी हरदोई हर साल की तरह फिर से चमकती हुई दिखाई दी, जिसको देखकर दिल खुश हो गया। फिर क्या चलते चलते खाना भी हजम हो गया। चलते चलते आर्यन का मन हुआ पॉपकॉर्न खाने का, फिर क्या फिर हमने पॉपकॉर्न लिए और मैंने भी पॉपकॉर्न का मज़ा लिया। फिर हम लोग चलते चलते आ गए अपनी हंटर 350 के पास, फाइनली हम आ गए अपने प्यारे घर। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।